तो मोटिवेशन आजकल हर जगह पे यही चल रहा है। यूट्यूब खोलो तो मोटिवेशन, इंस्टाग्राम खोलो तो मोटिवेशन। अबे मोटिवेशन क्या मैगी है क्या जो 2 मिनट में तैयार हो जाएगी? आजकल हर घर का तीसरा बेरोजगार आदमी मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है। इन लोगों ने अपनी लाइफ में घंटा कुछ उखाड़ा नहीं रहता है, लेकिन हमारी लाइफ सुधारने चले हैं। भैया ये देखो, कुछ लोगों ने आप पे नेगेटिव वीडियो बनाई थी, अब मेरे ही दोस्त मुझे वीडियो शेयर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अपन एक मैगजीन कवर पे भी आए थे, क्या तेरे दोस्तों ने तेरे साथ ये बात शेयर करी? नहीं। कुछ समझा? क्या? आज अगर सिर्फ मेरे साथ बात नहीं है, तू हो ये हो या जितने भी लोग हैं, हम अगर कुछ भी पॉजिटिव या थोड़ा सा भी कुछ लाइफ में अचीव कर लेते हैं, बच्चा क्लास में फर्स्ट आ जाता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, या कुछ IAS बन जाता है, IAS बन जाता है, ये बातें लोग शेयर नहीं करेंगे। अबे अगर हमारा दोस्त IAS ऑफिसर बनता है ना, तो हम सिर्फ शेयर नहीं गाँव में ढिंडोरा कराएंगे, और वो रेलवे स्टेशन का कुली तोड़ना बना है जो हम लोगों से छुपा के रखेंगे। अबे तुम लाइन और स्क्रिप्ट को बराबर लिख लिया करो बे, कुछ भी बोल देते हो। हाथ में घड़ी और सूट बूट पहनने से कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन जाता। अभी और सुनिए, और अगर तुझे लगता ही है कि तू मोटिवेशनल स्पीकर है, तो तू इसको मोटिवेट करा के दिखा। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स कुछ भी बोल ले, मुझे बेड से तो नहीं उठा पाएंगे ना। मुझे बेड से तो सिर्फ मेरा एक्स ही उठा पाता था, एक्चुअली वो उठाता नहीं था, वो तो छाल देता था। और मुझे उसी तरीके की मोटिवेशन चाहिए अपनी लाइफ में। कहानी सुनाएगा तू? क्या 150 साल पुराना बुड्ढा है? बचपन में हमारे नाना नानी कहानियां सुनाते थे, और जवानी में ये ढोंगी बाबा।